हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एमपीआर आरओ चैनल। आज हम लोग सीखेंगे केंट आरओ का अलार्म कैसे रीसेट करते है सीखेंगे। केंट ग्रैंड आरओ में अलार्म कंटिन्यू बज रहा था, इसका कैसे रीसेट करना है सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, केंट आरओ पे ऐसे अलार्म आने से एकदम छोटा बटन रहता है एकदम ब्लैक कलर का, उसका एकदम दबा के पकड़ना है। कम से कम एक मिनट का दबा के पकड़ेगा, अलार्म रीसेट हो जाएगा। देखिए अभी लाल बटन है ना, अभी थोड़ा समय का बात है ना ग्रीन हो जाएगा। जैसे ग्रीन हो जाएगा अलार्म रीसेट कंप्लीट हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, दो बार करके देखना है, इसमें एक बार दबा के पकड़ना है, फिर बंद करके जैसे लाइन का बंद करके फिर ऑन करना है, फिर दबा के पकड़ते रहना है। ऐसे रेड लाइट चल रहा है, ये अलार्म कंटिन्यू बजाते रहेगा, बीप साउंड आते रहेगा। अलार्म रीसेट करने का इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अभी रीसेट नहीं हुआ अलार्म, और एक बार भी कर सकता है या आवाज का साथ ही करवा। देखिए आप हो गया है, अब देखिए आप कंप्लीट हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के बारे में जो भी पूछताछ करना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स देखिए ग्रीन लाइट चल गया, मतलब अलार्म क्लोज हो गया है, मतलब अलार्म बंद हो गया। ग्रीन लाइट चल गया मतलब रेड लाइट में अलार्म बजेगा। देखिए अभी बंद करके और एक बार डेमो दिखा। देखिए फ्रेंड्स, बंद करने के बाद भी एकदम बढ़िया चलेगा। देखिए रेड लाइट आ गया, अभी ग्रीन हो जाएगा। देखिए अभी देखते रहे फ्रेंड्स, आप देखिए ग्रीन हो गया। इसका मतलब वो बटन का कम से कम एक दो सेकंड पकड़ के रखे, एक दो मिनट पकड़ के रखेगा ना, पकड़ के मतलब दबा के रखना है। जैसे दबा के रखेगा ये पूरा रीसेट हो जाएगा अलार्म, दबाने के बाद भी रीसेट नहीं होगा। एक बार सारे लाइन का काट के निकाल के फिर इंसर्ट कर दीजिए, वो टिक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये केंट ग्रैंड मॉडल है, केंट ग्रैंड प्लस का है। इसका ये अलार्म रीसेट कर लिया, जैसे बीप साउंड आता है कोई भी केंट वाला आरओ मॉडल का इस तरीके से अलार्म रीसेट कर सकता है। अब देखिए आरओ के बारे में स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, ये आरओ में बहुत कम पानी आ रहा था, इसलिए इसका हमने चेक करवाया था, इनपुट का पानी बहुत कम आ रहा है। चलिए आरओ का बारे में स्टेप बाय स्टेप भी बता दूंगा। इसका टीडीएस भी बहुत कम आ रहा था, टीडीएस भी किस तरीके से बढ़ाना है सीखेंगे इसी वीडियो पे। देखिए फ्रेंड्स, आरओ का रीसेट अलार्म छोटी वाला बटन है, जैसे ब्लैक कलर का रहता है वो लाइट का बगल पे, उसका एक मिनट दबा के पकड़ के रखेगा अलार्म रीसेट हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अलार्म रीसेट करने का एक बीप साउंड आते रहेगा, वो मेमोरी बदलने के लिए आएगा, नहीं तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने से भी आ जाता है। देखिए एक साल का अंदर नहीं तो छह महीने का अंदर ही इसका बीप साउंड आ जाता है, सेटिंग रहता है ऑलराउंड केंट आरओ पे, जैसे फिल्टर बदलने के लिए वो साउंड आता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी आरओ का स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से आके इनपुट है, ये प्री फिल्टर बोलता है इसका, इनपुट रोके आउटपुट है, आउटपुट से सीधा हो रहा है आरओ का इनपुट पे। देखिए यहाँ से सेडिमेंट फिल्टर है, देखिए आरओ का अंदर इनपुट होके सेडिमेंट फिल्टर में आ रहा है, उसके बाद कार्बन फिल्टर में, कार्बन फिल्टर के बाद सीधा जाएगा एसवी वाल्व पे जा रहा है, अंदर सोलेनॉइड वाल्व, सोलेनॉइड वाल्व के बाद अंदर मोटर पे आ रहा है, मोटर के बाद सीधा मेमोरिन पे जा रहा है। देखिए ये मेमोरिन है, मेमोरिन
ये पानी कम करेगा टीडीएस कम हो जाएगा, अगर ये पानी ज्यादा करेगा तो ये भी ज्यादा हो जाएगा टीडीएस भी। देखिए फ्रेंड्स, टीडीएस जो भी बराबर नहीं रहता है, 50 से 150 का अंदर रहता है, आप देखिए कम हो गया 65, एकदम एक्सलेंट ड्रिंकिंग वाटर है, 50 का ऊपर ही एकदम बढ़िया पी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स। केंटारो का फुल सर्विस हो चुका है, मोर वेलकम।